Somebody, anybody, everybody, nobody. Somebody, anybody, everybody, nobody. Someone, anyone, everyone, no one. Someone, anyone, everyone, no one. Something, anything, everything, nothing. Something, anything, everything, nothing. Somewhere, anywhere, everywhere, nowhere. Somewhere, anywhere. तो मैंने आपसे कहा कि प्रोनाउंस वे शब्द है जो नाउन के बदले उपयोग होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप एक कहानी लिख रहे हैं, एक स्टोरी लिख रहे हैं कि राम इज अ गुड बॉय, ओके, राम इसी में आगे लिख देते हैं अपन, राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। अब आपने फिर लिखा राम हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, ठीक है, फिर आपने लिखा राम helps his parents। वैसे तो आप ये लिख सकते थे कि राम helps his friends and parents, ऐसा भी लिख सकते, लेकिन हमने अलग अलग सेंटेंस बना लिया ताकि आप समझ पाए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए इधर, अब आप अगर ये बार बार आपने एक बार राम यूज कर दिया दैट्स ओके, लेकिन बार बार आप राम यूज कर रहे हो, राम के बदले आप क्या यूज कर सकते हो, यहां पर ही लिख सकते हो, यहां पर भी ही लिख सकते हो, और यहां पर भी ही लिख सकते हो। राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली, आपने राम की जगह जो है भाई किसको यूज किया है, यहां भी किसको यूज किया है, यहां भी किसको यूज किया है। सो दिस ही इज एक्चुअली ए प्रोनाउन, ये जो ही है आपका क्या है, और आज का जो टॉपिक है जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पहले तो इंडेफिनिट के मतलब को समझे, द वर्ड इंडेफिनिट स्टैंड्स फॉर अनिश्चित, समथिंग विच इज नॉट डेफिनेट, वह जो डेफिनेट नहीं है, कैसा है, इंडेफिनिट है। तो यहां पर ये जो ही है ना, ये डेफिनेट है, ये क्या है, definite. अगर हम बोलेंगे ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, तो हम बोलेंगे हु, कौन मदद करता है उसके पेरेंट्स की, तो आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। लेकिन मैं बोलूंगा समबडी इज कमिंग, कोई आ रहा है, तो कौन आ रहा है पता नहीं है, तो यहां पर समबडी कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट। तो आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवर, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। हम पढ़ने वाले 16 वर्ड्स, कितने वर्ड्स, 16 ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन आज के सेशन में पढ़ेंगे जो कि इंडेफिनिट है। क्या है बताओ, जो कि डेफिनेट नहीं। अच्छा पहले तो बताओ प्रोनाउन समझ में आए क्या होते हैं, प्रोनाउन मतलब ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, ये सब प्रोनाउन होते हैं। ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। इसके अलावा और भी काफी सारे, जैसे दिस है, दैट है, ये भी प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, समझेगी नहीं। प्रोनाउन के काफी सारे टाइप होते हैं, प्रॉपर प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, इम्फेटिक प्रोनाउन। तो उनमें से आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो एक ट्रिक से आपको आज कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाना सिखाता हूं, सारे स्टूडेंट ध्यान देना, सम, any, every, and no, इनको जोड़ना है आपको किससे, body, one, thing, or where, आई गया बात समझ में। देखो कैसे जोड़ेंगे हम, somebody, anybody, everybody, nobody, come on बोलो तो, somebody, anybody, everybody, nobody, लय में बोलना है, ऐसे थोड़ी बोलना, somebody, anybody, everybody, nobody, somebody, someone, anyone, everyone, no one, someone, anyone, everyone, no one। कितने प्रोनाउन बन गए बताओ, आठ, पता ही नहीं चला आठ प्रोनाउन बना दिए हमने, है ना। समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। कितनी प्यारी ट्रिक है, आपको सम, एनी, एवरी को जोड़ना है बडी के साथ, आपको सम, एनी, एवरी, नो को जोड़ना है वन के साथ, आपको सम, एनी, एवरी को, नो को जोड़ना है थिंग के साथ, आपको सम, एनी, एवरी, नो को जोड़ना है वेयर के साथ। आई क्या बात समझ में, 16 इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके सामने, आपका वेट कर रहे हैं कि पढ़ लो हमें। अब भाई देखो, सबसे पहले बडी और वन की बात करते हैं, मैंने आपसे कहा इन दोनों का उपयोग पर्सन के लिए होता है, किसके लिए होता है, अब देखना, याद रखना, तीन ही चीजें होती है इस दुनिया में, कितनी चीजें होती है, पर्सन होता है, प्लेस होता है, थिंग होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। पर्सन समझ रहे हो कौन, अरे लड़का, लड़की, है ना, पेंसिल, नहीं सॉरी, पेंसिल, पेन तो थिंग्स में चली जाती है ना, काउ, डॉग, ये जितनी भी चीजें हैं सब सब किस में आती है, पर्सन में।
प्लेस क्या हो गई? कोचिंग हो गई, स्कूल हो गई, कॉलेज हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, खंडवा हो गया, इंदौर हो गया, ऐसे प्लेसेस हो गई। समझे नहीं समझे? अरे समझ में आ रही बात? और ऐसे ही आपका तीसरा क्या होता है? थिंग। कैमरा क्या है? टेबल क्या है? चेयर क्या है? पेन क्या है? कॉपी क्या है? पोडियम क्या है? ट्राइपॉड क्या है? ऑल दीज थिंग्स आर थिंग्स, राइट? सो इन तीनों पर बेस्ड चीजें हैं जिसमें ये दोनों यूज होते हैं पर्सन के लिए। किसके लिए? ये थिंग वाला जो है थिंग्स के लिए होता है, वस्तुओं के लिए। किसके लिए? और ये जो है ये प्लेस के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? समझेगी नहीं? मैंने कहा ना दुनिया में तीन ही चीज होती है, एक होता है पर्सन, दूसरा होता है प्लेस, तीसरी होती है थिंग। इसमें दुनिया की सारी चीजें आ जाती, कुछ भी बोल दो। अब आप देखना, सबसे पहले बात करते समबडी की, जिसका मतलब होता है कोई, और समवन का मतलब भी होता है कोई। जब आप कहोगे सर दोनों का मतलब एक ही होता तो अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं, एक छोटा सा माइनर अंतर है। बडी का उपयोग करते हैं समबडी का आप एक ग्रुप के लिए, जैसे आप लोग सब यहां पर बैठे हैं, है ना, यहां पर सब लोग बैठे हैं। सर कोई गाना गा रहा है यहां पर, मुझे आवाज आ रही है, राइट? सर कोई गाना गा रहा है यहां पर, मतलब किसकी बात कर रहे हो? क्लास के अंदर कोई गाना गा रहा है, मतलब ग्रुप की बात हो गई। तो समवन बोलोगे कि समबडी? समबडी। ग्रुप के लिए समबडी, कम ऑन नोट करो, ग्रुप के लिए somebody. हाँ, समबडी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई। समवन मतलब क्या होता है? कोई। दोनों का मतलब कोई होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जब कोई ग्रुप का रहता है तो समबडी यूज करते हैं, जब कोई आउट ऑफ ग्रुप होता है तो समवन यूज करता है। आप मार्केट में किसी ने आपका सेलफोन चुरा लिया है या आपका सेलफोन किसी ने ले लिया है, आप क्या कहोगे? समवन हैज टेकन कि समबडी हैज टेकन? Someone has taken my cell phone. Someone has stolen my cell phone. वहां पर आप क्या यूज करेंगे बताओ? Someone यूज करेंगे, क्योंकि वो क्या है? कोई भी हो सकता है ना? लेकिन somebody कहां यूज करेंगे बताओ? ग्रुप में। आ रही बात समझ में सभी को? आ गई बात समझ? Anybody का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई भी। क्या मतलब होता है? और anyone का मतलब भी क्या होता है? ये अफर्मेटिव में लगता है। देखो someone हमेशा अफर्मेटिव में लगेगा, किसमें लगेगा? अब आपको बताने की जरूरत है अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव नकारात्मक, पता ना सभी को? तो अफर्मेटिव में ही समबडी को लगाना है और समवन को लगाना है। दूसरी बात, कोई भी जब आप बोलेंगे और वो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, क्या होगा? तो वहां पर आपको फिर समबडी नहीं एनीबडी लगाना है। मैंने कहा कोई भी स्टेज पर आ सकता है, एनीबडी कैन कम ऑन द स्टेज। क्या बोलोगे? एनीबडी कैन कम ऑन द स्टेज। आपको याद एक मूवी आई थी प्रभु देवा की, एबीसीडी वन भी आई और टू भी आई बाद में। तो द वर्ड एबीसीडी मीन्स एनीबडी कैन डांस। क्या मतलब होता है इसका? एनीबडी कैन डांस। ये देखो सबके पहले लेटर ए बी सी डी, आर यू गेटिंग? सो द वर्ड एबीसीडी मीन्स एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है। आ रही बात समझ में? कोई भी वहां जा सकता है, एनीबडी कैन गो देयर। और कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, दुनिया में किस सब की बात कर रहे हैं? Anyone can learn English, कोई भी। जब मैं ग्रुप की बात करूंगा तो क्या करूंगा मैं? दुनिया में कोई भी कुछ कर सकता है तो एनीवन। आर यू गेटिंग? कोई भी वहां जा सकता है, एनीवन कैन गो देयर। समझेगी नहीं? कोई भी स्टेज पर आ सकता है, एनीबडी कैन कम ऑन द स्टेज। कोई डाउट है क्या? पक्का? तो कोई भी किसमें यूज करेंगे आप लोग? अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें? अगर इसको मान लीजिए नेगेटिव में यूज करते हैं, जैसे आप क्लास में आए, मैंने कहा आप क्लास में किस किस को जानते हैं? तो आपने कहा सर मैं तो क्लास में किसी को भी नहीं जानता, या मैं क्लास में किसी को नहीं जानता, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में आप इंग्लिश में कहेंगे सर आई डोंट नो एनीबडी इन द क्लास। क्या कहोगे? इन द, देखिए स्टूडेंट ये रहा आपका एनीबडी। तो हमने एनीबडी क्यों लगाया, समबडी क्यों नहीं लगाया? कोई के लिए। हमेशा याद रखना नेगेटिव सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में स्टूडेंट? ये देखो डोंट लगाया मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव में कभी भी क्या यूज नहीं करना है? पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन दैट वी डोंट हैव टू यूज समबडी एंड समवन इन एनी नेगेटिव सेंटेंस। गेटिंग? देखते एवरीबडी मतलब होता है स्टूडेंट सभी। क्या होता है? सभी। ओके और एवरीवन मतलब भी क्या होता है? अब बोलोगे सर सभी को तो ऑल भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल कहते हैं। चलो एवरीबडी मतलब हो जाएगा सभी। क्या आ जाएगा? सभी। अब जैसे मैंने कहा सभी वहां जा रहे हैं, सभी वहां जा रहे हैं, तो इंग्लिश में आपका सेंटेंस बनेगा एवरीबडी इज आएगा कि आ रहा है?
बताइए इज आएगा कि आ रहा है? हाँ, आप में से कुछ लोग, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, कुछ लोग कहेंगे इज आएगा, कुछ लोग कहेंगे आ रहा है, मैं राइट हो रहा हूँ? अब याद रखिए स्टूडेंट्स, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्या कहा मैंने, सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है. पॉइंट टू बी नोटेड, विथ ऑल द इंडेफिनिट प्रोनाउन्स वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब. अब मुझे बताओ इज और आर में से सिंगुलर कौन सा है? मतलब ये गलत हो जाएगा. सो द राइट आंसर विल बी Everybody is going there. ठीक है, जैसे इन दोनों मतलब सभी है तो nobody मतलब होता है कोई भी नहीं. क्या होता है? कोई भी नहीं. और no one मतलब भी? कोई भी नहीं. समझे क्या? अब मैं यहां किसी को नहीं जानता, तो अभी आपने इंग्लिश में क्या कहा था? I don't know anybody in the class. यही बोला था आपने. एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स कि आप not के साथ में किसको लगा दो? किसको लगा दो? तो नॉट और एनीबडी मिलके बन जाता है नोबडी. ऐसे ही नॉट प्लस एनीवन मिलके क्या बन जाता है? नो वन. मतलब आप चाहें तो आप इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई डोंट को हटा दो, नो no लिख दो. आई नो एनीबडी प्लस नॉट को क्या लिख दो? आई नो नोबडी इन द क्लास. बताओ समझ में आया क्या? नहीं आया, एक बार फिर से समझो. आपने पहले क्या कहा था? आई डोंट नो एनीबडी इन द क्लास. मैं क्लास में किसी को नहीं जानता. तो मैंने आपसे कहा कि नॉट और एनीबडी मिलके क्या बन जाता है? No. मतलब यहां से नॉट को हटा दो तो फिर बोलेंगे सर डू बचेगा. तो डू तो लगाते नहीं ना अमन. Yes. अरे लिखते क्या डू को अकेला? No. तो वो भी हट जाएगा. तो आई नो मैं जानता हूं नोबडी किसी को भी नहीं इन द क्लास. क्लास में मतलब आई डोंट नो एनीबडी इन द क्लास इज इक्वल टू आई नो नोबडी इन द क्लास. समझ में आएगा? ऐसे देखो, मैंने कहा कोई भी वहां नहीं जा रहा है. नोबडी इज गोइंग देयर. क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो. समझना. अभी आपसे क्या बोला मैंने कि नोबडी इज इक्वल टू एनीबडी प्लस नॉट. ये बोला था. ऐसे नो वन इज इक्वल टू एनी वन प्लस नॉट. तो आप बोलेंगे सर क्या इसको भी हम लोग कर सकते हैं चेंज? बिल्कुल कर सकते हैं. आप नोबडी को लिख दो एनीबडी. अब लिखो इज. इज के बाद किसको लगाओ? नॉट. क्योंकि यहां तो लिख नहीं सकते ना नॉट को. नॉट तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है. तो एनीबडी इज नॉट गोइंग देयर. क्या बोलेंगे आप? इसका और इसका दोनों का एक ही मतलब निकल रहा है. कोई भी वहां नहीं जा रहा है. एनीबडी इज नॉट गोइंग देयर, नोबडी इज गोइंग देयर. दोनों का मतलब एक ही है. अब मुझे बताओ क्या समझ में आया? आर यू गेटिंग एवरीवन? बात करते बताओ. द नेक्स्ट वी हैव समथिंग. अगला बोलो क्या बनेगा? एनीथिंग, एवरीथिंग. एंड द लास्ट वन इज नथिंग. So, आप देख सकते हैं ये चारों जो है किसके लिए यूज होंगे? थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए. आपने कहा मेरे पास कुछ है. क्या कहोगे इंग्लिश में? आई हैव समथिंग. मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए. आई हैव समथिंग टू गिव यू. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू से यू समथिंग. मैं कुछ खरीदना चाहता हूं. I want to buy something. आप दुकान पर जाते हैं, आपने कहा भैया मुझे कुछ खरीदना है. क्या कहोगे इंग्लिश में? भैया I have to purchase something. I have to purchase something. मुझे कुछ खरीदना है, मुझे कुछ बेचना है. I have to sell something. तो इस तरीके से something मतलब क्या होता है? कुछ. और ऐसे ही होता है anything, कुछ भी. आप स्टेज पर आए, सर क्या बोलूं मैं? आप कुछ भी बोल सकते हो. यू कैन स्पीक एनीथिंग. लेकिन अगर मैं बोलूं तुम कुछ बोल सकते हो अपने बारे में, तो क्या कहूंगा मैं? यू कैन स्पीक समथिंग अबाउट योर सेल्फ. फिर मैं क्या बोलूंगा? यू कैन स्पीक समथिंग अबाउट योर सेल्फ. आप अपने बारे में कुछ बोल सकते हो. तो कुछ मतलब समथिंग, कुछ भी मतलब anything. कोई मतलब someone. कोई भी मतलब anyone. अरे के बात सुन, अगर आपने ये चार सीख लिए तो ये चार अपने आप आ जाएंगे. अगर ये चारों आठ आपने सीख लिए, चार अपने आप आ जाएंगे. सब मिलते जुलते हैं, यूजेस अलग अलग है बस. नहीं समझे? ऐसे इसको भी नेगेटिव में भी यूज करते हो आप. मेरे पास कुछ नहीं है.
आई डोंट हैव एनीथिंग, या फिर और करके लिखता हूं, ब्लैक पेन से ध्यान देना, आई नॉट प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू, या ब्रैकेट में लिख देता हूं, एनीथिंग प्लस नॉट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है इसका, है ना। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि आई हैव, मेरे पास है कुछ भी नहीं, नथिंग, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग, या फिर आप कहोगे आई वॉन्ट टू से नथिंग, आई वॉन्ट टू से, आर यू गेटिंग एवरीवन, आ रही है बात समझ में, ये नए स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत होगी, बाकी तो सभी लोग अच्छे सीख रहे होंगे। द नेक्स्ट वी हैव एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, बहुत ही प्यारा वर्ड है, एवरीथिंग इज सब कुछ, सब कुछ आसान है, एवरीथिंग इज इजी, क्या बोलोगे, एवरीथिंग इज इजी, ये देखो आपने इज लगाया, इस क्यों लगाया, आर क्यों लगाया, क्योंकि इंडेफिनेट प्रोनाउन, और सर अभी तो आपने बताया था जितने भी इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं सबके साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगती है, इसलिए आर नहीं इज लगेगा। सब कुछ आसान है, एवरीथिंग इज इजी, सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज योर्स, नथिंग इज माइन, नथिंग इज, एवरीथिंग इज योर्स, नथिंग इज माइन, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, तो नथिंग इज माइन, माइन माइन, अगला बनेगा आपका, बोलो तो, एनीवेयर एवरीवेयर, और लास्ट में क्या आएगा, नोवेयर, है ना। अब देखो सबसे पहले हम लोग जिस समथिंग का मतलब कुछ होता है, ऐसे समवेयर का मतलब क्या होगा, बोलो, कहीं, क्या होगा, तुम कहीं जा रहे हो ना, यू आर गोइंग समवेयर, यू आर गोइंग, तो बोलेगा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग नोवेयर, कहीं नहीं, कहीं नहीं, या कहीं भी नहीं, जो भी आप बोलना चाहे अपने हिसाब से, कहीं भी जा सकते हो आप, तो यू कैन गो एनीवेयर, पूरी क्लास खाली है, कहीं भी बैठ सकते हो, यू कैन सिट एनी, अब आए क्लास में सर मैं कहां बैठूं, सर वेयर शुड आई सीट, मैंने कहा यू कैन सिट एनीवेयर, यू कैन सिट एनीवेयर, आप कहीं भी बैठ सकते हो, गेटिंग, ऐसे ही है एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब होता है सभी दूर, एवरीवेयर मतलब क्या होता है, मैंने कहा ईश्वर सभी दूर है, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, राइट, इंग्लिश सभी दूर बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन एवरीवेयर, इंग्लिश इज स्पोकन एवरीवेयर। चलो भाई समथिंग मतलब सबको बोलना है, थोड़ा बहुत नहीं सब बोलेंगे, समवेयर मतलब सम, एनीथिंग मतलब एनीवेयर मतलब कहीं भी, ये सब प्लेसेस के लिए लगता है भाई, प्लेसेस स्थानों के लिए, है ना, एवरीथिंग मतलब एवरीवेयर मतलब सभी दूर, है ना, इसके बाद में नथिंग मतलब नोवेयर, कहीं भी नहीं, तुम कहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग समवेयर, ये आ गया आपका कहीं, तुम कहीं भी जा सकते हो, यू कैन गो एनीवेयर, ऐसे सेंटेंस बना लिया करो सब सबके, तो ना कंफ्यूजन नहीं होता, ईश्वर सभी दूर है, इज एवरीवेयर, ये देखो लास्ट में लग गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आगे लगे, देखो इसमें भी पीछे लगा, इसमें पीछे लगा, इसमें पीछे लगा, ठीक है, कभी कभी आगे भी लग जाते हैं, ठीक है, तो आगे पीछे कहीं भी लगाओ, ये इट डजंट मैटर, ऐसे देखो मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग नोवेयर, समझे क्या, अरे समझ गया ना।